के महीने का अगर 1 लाख भी आ जाए ना, फिर भी हम जिस काम को करते हैं उस काम से तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन इससे भी ज्यादा हमको मोटिवेट किया वहां का ड्रेस कोड, क्योंकि हम मंडी वाले, हम गिट्टी वाले जब जहां होते हैं बस उसी जिस तरह से होते हैं उसी तरह से, कपड़ा का तो कुछ होता नहीं, ड्रेस तो वहां तो कुछ होता नहीं, बस गमछा वमछा लपेट के मुंह कान बांध के घूमते रहते हम लोग। तो कम से कम ड्रेस कोड हमको इतना बढ़िया लगा, सब लोग ड्रेस कोड में कोट पेंट टाई वाई लगा के सब बहुत अच्छे लग रहे थे, लगा यार पैसा थोड़ा सा कम भी, अब अगर इस तरह का जिंदगी मिलता है तो इस बिजनेस को करना चाहिए। और उस ड्रेस कोड को देख के मोटिवेट हो गए और हम उस काम को करने लगे। 2 जनवरी में 14 के ज्वाइन करने के बाद फिर जब करने लगे तो फिर सर से पूछे सर हमको क्या करना है, तो फिर सब लोगों का सहयोग मिलना शुरू हो गया और इस काम को हम करना शुरू कर दिए। यही बाइक सीवीजेड बाइक था जिससे हम काम करने की शुरुआत किए थे गिट्टी में, इस बाइक को हम खरीदे थे पुराना। फिर सर लोग का सहयोग मिलना शुरू हो गया, अजय सर से मिलवाए, पूरा अंजनी सर, अजय सर पूरा हमको साथ देना शुरू किए। जब पूरा सर लोग कॉपरेट करते चले गए और हम भी मन से काम करते चले गए, दिन कब हुआ रात कब हुआ हमको पता नहीं चल रहा था उस टाइम, जैसा सर लोग को देखते थे करते हुए हम भी उसी तरह से काम को करने लगे। लेकिन हमारे साथ काम करने में थोड़ा सा परेशानी हो रहा था, परेशानी ये हो रहा था कि मेरा गांव था शहर से 12 किलोमीटर, बच्चा को लेकर और दिमाग में एक ही बात था अगर महीने का 1 लाख रुपया कमा लिए तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे हम, और महीने का 1 लाख रुपया कमाने के ध्येय से इस बिजनेस को हम ज्वाइन किए। और लगातार जब करने लगे तो बहुत डिस्टर्ब रहने लगे, तो फिर एक समस्तीपुर में हम किराए का मकान ढूंढना शुरू किए। एक किराए का मकान, उस समय मेरे पास पैसा बिल्कुल बहुत कम हुआ करता था, तो हम 2000 रुपये का किराए का मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन 2000 का मिला नहीं, वो 4000 4500 का मिला, फिर भी उस मकान को हम लिए और हम सारे परिवार मैडम को लेके वहां जाकर हम शिफ्ट हो गए और वहीं रहने लगे और वहां से इस बिजनेस को मन से करने लगे। सुबह में जल्दी उठना, रात में सर लोगों के साथ 11-12 एक रात बच जाता था, एक 12 पत्थर चौक था वहां रात में हम लोग की मुलाकात होती थी, सारे सर लोग होते थे, अविनाश सर, सतीश सर, संजीव सर, अंजनी सर, सब लोग वहां हम लोग मिलते थे। तो जब करने लगे सर लोग का पूरा मदद होने लगा, हमको भी मजा आने लगा काम करने में, काम मेरा होने भी लगा। तो एक दिन हमको याद आया कि सर बोले कि 7 मार्च को आगरा चलना है। हम बोले सर अब आगरा क्यों चलना है, हम काम कर रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है, हमारे साथ लोग बहुत अच्छे अच्छे ज्वाइन हो रहे हैं, तो फिर हमको आगरा क्यों ले जा रहे हैं, मेरा तो समय बर्बाद होगा 4 दिन का। बोले नहीं आगरा चलना है और तुम सिल्वर बन गया है और तुम्हारा रिकॉग्निशन होना है वहां। हम बोले इसमें क्या होता है, तो बोले चलेगा तब समझ में आएगा। और एक 22-23 साल का लड़का कोई डायमंड बन रहा है, तो सपना तो था ही कि डायमंड हमको ही बनना है, और डायमंड कैसे बना जाता है तो अविनाश सर का बात है। अविनाश सर बोला करते थे कि अगर डायमंड बनना चाहते हैं तो डायमंड को बनते हुए भी आपको देखना पड़ेगा। हम बोले ठीक है सर। फिर आगरा आए 7 मार्च को, और वो होटल हमको याद है जब हम सबसे पहली बार आए थे और सुबह में यहाँ टुंडला उतरे थे, वहां से हमको होटल जाने का मौका मिला था जिसमें सर का फंक्शन हो रहा था, वो सुर सदन था। और सर का सबसे ज्यादा अगर हमको लगा ना, तो सर जब ऊपर आए और दिल बना हुआ था, दिल को फाड़ के जब दिल में से सर निकले, एकदम लगा कि यार क्या बिजनेस है। और उम्र हमको लगा कि शायद हमसे भी छोटे होंगे, हमको लगा कि उस समय तक नहीं पता था कि मतलब सत्येन सर इनके पिताजी हैं, सत्येन सर से हमको मिलने का ही मौका नहीं मिला था उस समय तक, तो मतलब एकदम हम कायल हो गए। हम सुर सदन में जिस चेयर पे बैठे थे आज भी हमको वो चेयर याद है कि हम किस चेयर पे बैठे थे। और वहां हम गए बैठे, फिर लाइन में पूरा लंबा लाइन में धूप में लगा दिए, मुश्किल से खाना भी मिला था, पहली बार पहला फंक्शन था मेरा, जब उसमें हम गए तो सारे यहाँ तो फ्राइडे के ट्रेनिंग में देखा करते थे ड्रेस कोड वाले लोग को, लेकिन वहां देख के तो और हम पागल ही हो गए। और खास के जब राकेश सर का एंट्री देखे, सबसे धमाकेदार एंट्री जब राकेश सर का देखे, हम वहां एकदम पागल हो गए, हमको एकदम कुछ नहीं सूझ रहा था। वहां से आए अपने गिट्टी वाले, जो गिट्टी का मेरा पूरा ढेरी हुआ करता था, बिना कोई वजन किए बिना कोई नाप किए सीधा उसको फैसला किए उसको बेच देना है। और एक बगल वाले मंडी वाले को बुलाए, भैया इसको तू खरीदेगा, बोले हाँ ले लेंगे, तो कुछ नुकसान करके उस गिट्टी को हम पूरा का पूरा मंडी हम बेच दिए। फिर एक ट्रैक्टर मेरे पास रह गया, क्योंकि अब सिल्वर बनने के बाद जब हम सिल्वर बने और जब राकेश सर का डायमंड शिप देखे, तो पूरा एकदम हम पागल हो गए कि नहीं अब हमको डायमंड ही बनना है।
तो वहां से जब गिट्टी जब बेच दिया तो फिर ट्रैक्टर रह गया। अब ट्रैक्टर के लिए हमको बार बार आना पड़ता था, तो एक कस्टमर को बुला के हम ट्रैक्टर के लिए बात किए कि भाई मेरा ट्रैक्टर है, बेचना है, लेगा क्या? और ट्रैक्टर का मुश्किल से साल भर हुआ था, बिल्कुल नया ट्रैक्टर था मेरा। तो बोले हाँ बिक जाएगा, 4.5 लाख रुपया में बिकेगा, अगर देगा तो दे दो। हम बोले ठीक है ले लो। तो बोला ठीक है सुबह में आओ। हम चले गए फिर समस्तीपुर, तो रात में हमको कॉल करता है कि अगर 2.5 लाख में बेचना हो तो आ जाना, नहीं तो नहीं आना। साल भर की गाड़ी थी, 6.5 लाख में खरीदे थे, महिंद्रा की गाड़ी थी। लेकिन हमको लगने लगा कि नहीं, अगर ट्रैक्टर के कारण मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो ये बढ़िया नहीं। तो हम बोले ठीक है हम 2.5 लाख में ही दे देंगे। मेरे दिमाग में बस एक बात आया कि ये ट्रैक्टर अगर भी 1-2 लाख रुपया को अगर हम क्षति करते हैं, अगर हम नुकसान सह लेते हैं, तो जिस तरह से प्लान हम समझ रहे हैं या जिस तरह से हमारे साथ काम होना शुरू हुआ, हम बहुत बार बहुत लाख रुपया कमा लेंगे। कितना ट्रैक्टर खरीद कर रख लेंगे, इसे 1-2 लाख को नहीं, उसके 1-2 लाख के चक्कर में नहीं पड़ना है। और हम 4.5 का दाम उसी का किया हुआ, उसी के हाथ से 2.5 लाख में ट्रैक्टर को बेच दिए और फिर काम करने लगे। और काम कर रहे थे समस्तीपुर से बगल में एक बारिश नगर जगह है, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र है, वहां बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा था। धीरे 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 वहां मेरा टीम 300 का बन गया। लेकिन अजय सर से बातचीत हुई तो अजय सर बोले कि नहीं, गांव में काम नहीं करना है, काम जब भी करना है किसी शहर में करना है। तो फिर हम चले गए दरभंगा, और फिर दरभंगा में हम काम करने लगे। दरभंगा मेरे घर से 52 किलोमीटर था, और वहां रोज जाके हम काम करने लगे, और सर लोग का भरपूर सहयोग हमको मिलता चला गया। सिल्वर बनने के बाद जब काम होना शुरू हुआ तो फिर 3 अगस्त को समस्तीपुर में फंक्शन था। हम इतने पागल हुए, न हम सिल्वर स्टार बने न हम गोल्ड बने, मेरा किसी चीज का रिकॉग्निशन नहीं हुआ। पहला फंक्शन समस्तीपुर में डायमंड शिप राकेश सर के डायमंड शिप के बाद हुआ, जिसमें परशुराम सर लोग आए थे। उस फंक्शन में हमको पर्ल बनने का मौका मिला। पर्ल बनने के बाद दुनिया का कोई ताकत हमको सेफ शॉप पे रोक ले, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। अब एक ही काम, एक ही मिशन बचा था, हमको सेफ शॉप पे डायमंड बनना था। विश्वास इतना मेरे अंदर जग गया था, पैसा हम ठीक ठाक कमाने लगे, मेरे साथ काम बहुत बढ़िया होने लगा। फिर किसी का नहीं सुने, जब हम दरभंगा काम कर रहे थे तो पर्ल बनने से पहले ही, या पर्ल बन के दरभंगा चले गए और वहां हम काम करने लगे। और काम करते करते वहां स्टार्टिंग में लोग कहा करते थे, सर यहाँ काम नहीं होगा, समस्तीपुर में बहुत सारा काम होता है, दरभंगा में सर यहाँ कोई लोग ज्वाइन नहीं होंगे। लेकिन हम बोलते थे नहीं, ज्वाइन होंगे, अगर हम काम करते हैं ईमानदारी से, अगर हम काम करते रहेंगे तो काम होगा। क्योंकि बारिश नगर में काम करके हम देख चुके थे कि स्टार्टिंग में लोग मना ही करता है, लेकिन जब करने के जब हम लग जाते हैं तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। और स्टार्टिंग में बताए कि हम दुनिया में जो भी काम किए हैं ईमानदारी से किए हैं, पूरा अपना 100% दिए हैं, तो यहाँ भी अपना पूरा 100% देने का पूरा कोशिश हम करते रहे और दरभंगा में काम करने की शुरुआत किए। काम होते 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 दरभंगा में बहुत अच्छा काम होने लगा। और फिर हम सुबह में 5 बजे 6 बजे सुबह में दरभंगा पहुंचना होता था और रात में 12 बजे वहां से 11 बजे वहां से आना होता था। हमको वो दिन याद है कि जब दरभंगा हम जाते थे तो हमारे वहां के जो लोग थे जिनको हम ज्वाइन कराने के लिए गए थे वो सोए रहते थे। उनको हम 5 बजे 6 बजे सुबह में उनके घर पर 52 किलोमीटर दूर पहुंच के गेट ढक ढका के उनको जगाते थे, भाई साहब सुबह हुआ उठिए। वो उठते थे, फिर उन वो रेडी होते थे, उनको लेके फिर फील्ड में निकलते थे। फिर रात को जब वो थक जाते थे 11 बजे 11:30 बजे तो बोलते थे सर अब हमसे नहीं होगा, हमको घर पहुंचा दीजिए। फिर उनको घर पहुंचा के फिर हम समस्तीपुर आते थे। इस तरह से काम को करते थे। एक बार की बात है, कोहरा बहुत ज्यादा था, तो एक बार एक ट्रैक्टर सॉरी ठेला पे रॉड, स्टील रॉड डाल के वो रात को जा रहा था और हम CBZ बाइक से आ रहे थे, तो थोड़ा सा से बच गए। हमारे वाइजर में वो रॉड टकराया, अगर वो मेरे पेट में जाता तो घुस जाता वो। तो उस दिन हम बहुत डर गए थे। हमको कहानी है कि याद आया, हमारे गांव के बगल में एक बहुत बहुत दरबार है, वो बहुत बड़े पैसे वाले हैं। क्या हुआ कि एक बार वो मुजफ्फरपुर जा रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, कर्पूरी ग्राम से ट्रेन पकड़े थे, और उनका बेटा भी उसी गाड़ी में था। लेकिन किसी कारण से उनका बेटा एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन में ही कट गया था। और कर्पूरी ग्राम में जिस बोगी में उनके पिते थे, और मेरा आदत था हम बाहर में कभी चाय भी नहीं पीते थे, खाना तो दूर, कभी खाना बाहर का किसी होटल का खाना नहीं खाए। हम सुबह में 5 बजे 6 बजे में दरभंगा पहुंच जाते थे और रात को वहां से 11:30 11 बजे चलते थे। तब तक कहीं बाहर का ना एक कप चाय, न बाहर का कहीं कुछ खाते थे। घर आए, फ्रेश हुए, खाना खाए, सो गए। फिर सुबह में कितना जल्दी उठे, फिर निकल गए, 4:30 4:45 में निकलते थे, फिर 5:30 6 तक दरभंगा पहुंच जाते थे। यही मेरा रूटीन रहा। काम बहुत अच्छा होने लगा, मन भी लगने लगा। फिर मेरा रिकॉग्निशन
टोपाज का हुआ जो